सलेबियों के हर अव्वल लश्कर जिन यूरोपी ममालक से रवाना हुए थे, वहां जब उनकी तबाही और होलनाकी की खबरें पहुंचीं तो हर तरफ जबरदस्त हैजान पैदा हो गया। यूं मालूम होता था कि कोई आतशफशां पहाड़ फट पड़ा हो। हर शख्स यही चाहता था कि पर लगाकर उड़ जाए और इशियाए कूचक को रोंदता हुआ यरूशलम पर सलेबी झंडे गाड़ दे। घर घर में बड़े जोशो खरोश से जंगी तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। आखिरकार 1097 ईस्वी के मौसम बहार में यूरोप के कई नामवर हुक्मरानों, नवाबों और रईसों की सरकर्दगी में 7 लाख के करीब सलेबी जंगजू मरने मारने के लिए तैयार हो गए। इनमें 1 लाख से भी ऊपर सवार थे, बाकी सब प्यादे थे। मुअर्रख एना कामिना ने लिखा है कि सलेबियों की तादाद का शुमार भी नहीं किया जा सकता था। उनको सिर्फ समुंदर की रेत या आसमान के सितारों से तशबीह दी जा सकती थी। मई 1097 ईस्वी में ये टड्डी दिल बड़े बाज़ाब्ता तरीके से मशरक की तरफ रवाना हो गया। इनमें 4 बड़े लश्कर शामिल थे। पहले लश्कर की कयादत लोरिन का ड्योग यानी लोरिन का नवाब गॉडफ्रे डी बोलिन कर रहा था। यह शख्स एक अजमुद्दा कार जर्नल था और फ्रांस में इसकी बहादुरी और जंगी महारत की बड़ी शोहरत थी। गॉडफ्रे के लश्कर के साथ उसके 2 भाई और 1 चचाजाद भाई बाल्डवन भी था। इन सब का शुमार फ्रांस के नामी ग्रामी सरदारों में होता था, जबकि दूसरे लश्कर की कयादत फिलिप शाह फ्रांस का भाई कर रहा था। तीसरे लश्कर की कयादत एक नामवर अतालवी जंगजू बोहेमोंड कर रहा था। वो इटली के शाही खानदान से तल्लक रखता था और वहां की एक रियासत का राइस था। सलेबियों का 4था बड़ा लश्कर फ्रांस के जनूबी सूबों से मुरतब हुआ और इसकी कयादत 2 नामवर सरदार रेमंड और एडमर कर रहे थे। इन 4 बड़े लश्करों के अलावा बेशुमार छोटे छोटे लश्कर मुख्तलिफ अमीरों और नवाबों की सरकर्दगी में हर तरफ से उमड़े चले आ रहे थे। हर लश्कर में अपने अपने इलाके के मुंतखिब जंगजू शामिल थे। सबसे आखिरी लश्कर विलियम फाते के नामवर बेटे ड्यूक रॉबर्ट वालिये नॉर्मंडी की कयादत में रवाना हुआ। गोया सारे यूरोप के मुंतखिब जंगजुओं ने मशरक पर यलगार कर दी थी। सलेबियों का तूफानी लश्कर अप्रैल 1097 ईस्वी के आखिर में कुस्तुनतुनिया के करीब पहुंच गया। कैसरे रोम अलेक्सियस ने फिर हिकमत अमली से काम लिया और कुस्तुनतुनिया से बाहर ही बाहर इस टड्डी दिल को जहाजों पर लाद कर अब नायब बास्फोरस के पार एशियाए कूचक के साहिल पर उतरवा दिया। सलेबी फौजें 1097 ईस्वी के पहले निसफ के दौरान एशियाए कूचक में दाखिल हो गईं, जहां इनके साथ पीटर दी हरमट की बची कुची फौज भी आकर शामिल हो गई। इसके अलावा कैसरे रूम अलेक्सियस ने अपने 2 जर्नैलों के साथ अपनी फौज का कुछ हिस्सा भी इनके साथ भेज दिया। इनकी मुहिम का पहला मकसद निकिया को हासिल करना था, जो कभी बाजंटीनी हुकूमत का एक शहर हुआ करता था, लेकिन इसके बाद सल्जूकियों ने बाजंटीनियों को शिकस्त देकर इस शहर पर कब्जा कर लिया था। सलेबी लश्कर ने आगे बढ़कर निकिया का मुहासरा कर लिया। सुल्तान कलेज अरसलान इस वक्त वस्ती एशिया में दानिशमंदियों के खिलाफ लड़ रहे थे। जब उनको मालूम हुआ कि सलेबियों ने आगे बढ़कर निकिया का मुहासरा कर लिया है, सुल्तान कलेज अरसलान ने उसी वक्त उस मुहिम को अधूरा छोड़ा और सलेबियों के मुकाबले के लिए निकल खड़े हुए और 16 मई को निकिया पहुंचकर पीछे से सलेबी फौज पर हमला कर दिया। लेकिन सलेबी फौज की तादाद इतनी ज्यादा थी कि उनको इस हमले से कोई फर्क नहीं पड़ा और सुल्तान किले जिरसलान को पीछे हटना पड़ा। जब कई दिन के मुहासरे के बाद भी शहर फतह होने में ना आया तो सलेबियों ने कैसरे रोम से मदद मांगी, क्योंकि सलेबियों ने यह महसूस कर लिया था कि वो अजनक झील की नाकाबंदी नहीं कर सकते जिस पर यह शहर वाकई था, और इसी झील के जरिए इस शहर में कमक पहुंच रही थी। झील की नाकाबंदी करने के लिए कैसरे रोम ने अपने बहरी जहाजों को भेजा। इन जहाजों को समुंदर से निकालकर खुश्की पर लाया गया और खुश्की पर इनको घसीट कर इस झील में डाल दिया गया। इस तरह से अब शहर का मुकम्मल तौर पर मुहासरा किया जा चुका था। अब शहर वालों को किसी तरफ से भी कोई कमक की उम्मीद नहीं रही थी। आखिरकार मुहासिरीन को 50 दिन के शदीद मुहासरे ने आजज कर दिया, लेकिन उन्होंने सलेबी दरिंदों के हाथों में पड़ने के बजाय शहर पर कैसरे रोम के कब्जे को तरजीह दी, क्योंकि कैसरे रोम
इन सलेबियों की निस्बत किसी कदर मुहज़ब था। सुल्तान केले जिरसलान ने दर पर्दा इससे नामो पयाम करके शहर कैसरे रोम के हवाले कर दिया और खुद अपनी फौज को लेकर दूसरे इलाके में चले गए। निकिया पर कैसरे रोम का अलम लहराता हुआ देखकर सलेबी बहुत जले, लेकिन कैसरे रोम ने मालो दौलत की बारिश करके इनके मुंह बंद करवा दिए। इसके बाद सलेबियों ने निकिया का मुहासरा उठाकर आगे बढ़ना शुरू कर दिया। इनके साथ बाजनतीनी फौज के भी कुछ दस्ते शामिल थे। इसके अलावा उनको ये भी उम्मीद थी कि कैसरे रोम अलेक्सियस इसके बाद एक मुकम्मल बाजनतीनी फौज इनकी कमक के तौर पर भेजेगा। उन्होंने अपनी फौज को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक हिस्से की कयादत नार्मज कर रहे थे और दूसरे हिस्से की कयादत फ्रांसीसी कर रहे थे। सलेबी सरदारों ने यह मशवरा किया कि डोरे लियोम के मकाम पर दोनों लश्कर फिर इकट्ठे कर देंगे। सुल्तान केले जिरसलान ने निकिया में शिकस्त खाने के बाद अपनी फौज को इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। आखिरकार डोरे लियोम के मकाम पर सुल्तान केले जिरसलान ने अपने तेज रफ्तार घुड़सवार तीरंदाजों के जरिए सलेबी लश्कर के पहले हिस्से को घेर लिया। सलेबियों की तादाद मुसलमानों के मुकाबले में बहुत ज्यादा थी, लेकिन इसके बावजूद सुल्तान केले जिरसलान ने इतने ताबड़तोड़ हमले किए कि सलेबी सिमट कर रह गए। सलेबियों को मारते काटते मुसलमानों के बाजू शैल हो गए, लेकिन इनका एक सैलाब था जो उमड़ा ही चला आ रहा था। इसी दौरान सलेबियों का दूसरा लश्कर भी आन पहुंचा और उन्होंने सुल्तानी फौज पर हमला कर दिया, और साथ ही सलेबी लश्कर के एक हिस्से ने एडमर की कयादत में सुल्तानी फौज पर पीछे से हमला कर दिया। इस ताज़ा दम कमक के पहुंचने और अचानक पीछे से हमला होने पर ईसाइयों का दबाव सुल्तानी फौज पर इस कदर बढ़ गया कि इनके पास पसपा होने के सिवा कोई चारा न रहा। चिनाचे सुल्तान किले जिरसलान अपनी बची हुई फौज को लेकर पीछे हट गए। सुल्तान किले जिरसलान को शिकस्त देने के बाद सलेबियों ने अंताकिया की तरफ पेशकदमी शुरू कर दी। इसी असना में सुल्तान किले जिरसलान ने फिर अपनी कुव्वत जमा की और उन्होंने सलेबी लश्कर के रास्ते में आने वाले तमाम इलाकों की फसलों को जला डाला और वहां के बाशिंदों को महफूज मकामात पर पहुंचा दिया। इसके साथ ही उन्होंने सलेबियों पर छापे मारने शुरू कर दिए। रसद की किल्लत, पानी की कमी और दुश्वार गुजार रास्तों ने सलेबियों पर और भी ज्यादा सितम ढाया। सल्जूकी सल्तनत में कहीं भी कदम जमाने के बजाय उन्होंने अपनी अफियत इसी में देखी कि यहां से किसी न किसी तरह बचकर निकल जाएं। चिनाचे कोनिया की सरसब्ज वादी को पमाल करने के बाद उन्होंने बड़ी तेजी से कोहिस्ताने तारस को अबूर किया और शाम की सरजमीन पर पहुंच गए। सलेबियों के निकलते ही सुल्तान किले जिरसलान ने अपने खोए हुए इलाकों में बेशतर पर फिर से कब्जा कर लिया।